हालेलुया, सबको जय मसीह की। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में। रोज के पवित्र वचन को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, छोटी बातों में वफादारी। जिस तरह दानियल की पुस्तक अध्याय 2 के 48 आयत में लिखा है, तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। मेरे प्रियो, जब आप छोटी छोटी बातों में भी परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचा करता है। जब आपको कुछ पता नहीं होता कि अब आगे क्या होगा, मुझे आशीष मिलेगी या नहीं, जब आप उस समय भी और दुख परेशानी में भी परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, तो आपकी यह वफादारी इस बात को निर्धारित करती है कि आप ऊंची पदवी पर बिठाए जाएंगे। बाइबल में जब हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब उसको और उसके साथियों को बंधुआई में ले जाया गया और उनको वह खाना जो बाइबल में मना किया गया था खाने के लिए दिया गया, तो दानियल ने वह खाना खाने से मना कर दिया और परमेश्वर के साथ उस समय भी वफादार रहा। उसने बिना किसी बात की परवाह किए और मेरे साथ फिर क्या होगा, परमेश्वर के साथ वफादार रहा। इसलिए परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया और फिर वह राजा के महल में ही रहने लगा। मेरे प्रियो, दानियल उस समय भी परमेश्वर के साथ वफादार रहा। अगर वह सोचता कि परमेश्वर मुझे बंधुआई से बाहर निकालता तो है नहीं, अब मैं भी क्यों परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूं, तो वह कभी भी उस पदवी को न ले पाता जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी। उसका ऊंचा होने का यही कारण था। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनकी किसी परेशानी का हल नहीं हो, कैंसर की बीमारी से चंगाई ना मिले, तो वह परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं और दूसरी जगहों पर चले जाते हैं और परमेश्वर के वचनों को तोड़ देते हैं। इसलिए वह अपनी आशीष को नहीं ले पाते, अपनी बीमारी से चंगाई को नहीं पाते और जो पदवी परमेश्वर ने उनके लिए रखी होती है वह उस पर नहीं बैठ पाते, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ छोटी छोटी बातों में वफादार नहीं रहते। इसलिए मेरे प्रियो, उस समय भी परमेश्वर के साथ वफादार रहें जिस समय आपको आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो कि आपके जीवन में आगे क्या होगा। हर एक छोटी सी छोटी बात में भी परमेश्वर के साथ वफादार रहें, क्योंकि परमेश्वर के साथ वफादारी ही आपको ऊंचा करती है, उसे जैसे दानियल की वफादारी ने उसको ऊंचा किया। आमीन, आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर कर ताकि मैं आपके वचनों पर दानियल की तरह वफादारी से चल सकूँ और आपकी ज्योति बनकर चमक सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। सबको जय मसीह की। God bless you, all of you.